और दिल्ली की सीलिंग का मुद्दा राज्यसभा में भी उछला। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में सीलिंग को लेकर चर्चा की मांग की। सीलिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को तमाम विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला। संजय सिंह से बात की है न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने। दिल्ली के व्यापारियों की आवाज को आज संजय सिंह ने राज्यसभा में उठाया। तमाम विपक्ष आज संजय सिंह के साथ खड़ा हो गया। बड़ी हैरानी की बात रही संजय भाई कि तमाम विपक्ष आज आपके साथ खड़ा हो गया। कल सदर बाजार में व्यापारियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे विजय गोयल साहब ने आपको अपोज किया, हुआ क्या था अंदर? क्या नोटिस नहीं दिया था, क्या हुआ? देखिए, पहली बात यह है कि नोटिस भी मैंने दिया था, उसकी कॉपी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नोटिस दिया था, मेरा टाइम भी अलॉट हुआ था, और इस नोटिस के अंदर देखिए ये मेरा नाम भी था, टाइम अलॉट हुआ था बोलने के लिए। उसके बावजूद वहां पर जब बोलने नहीं दिया गया तो हम लोग बेल में गए। बेल में जाके हमने जितने लोकतांत्रिक तरीके से हमने नारेबाजी की, आवाज उठाई व्यापारियों की, क्योंकि 7 लाख व्यापारियों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाने की तैयारी है, हमने उनकी आवाज को उठाया। सीलिंग को रोका जाना चाहिए, कन्वर्जन चार्जेस को खत्म किया जाना चाहिए, और ये तुगलकी फरमान से सरकार नहीं चलेगी। लाट साहब के डंडे से दिल्ली को चलाने की जो कोशिश की जा रही है वो हम लोग चलने नहीं देंगे। सोमवार को फिर से पार्लियामेंट बैठ रही है, वहां भी हम इस बात को उठाएंगे मजबूती के साथ। संजय भाई, आप 3 ही लोग थे शुरुआत में, लेकिन बाद में मैंने सुना कि टीएमसी भी साथ थी, कांग्रेस भी साथ थी। मैं सारी विपक्षी पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर, लोकहित के मुद्दे पर, व्यापारियों के हित के मुद्दे पर उन्होंने हमारा साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। व्यापारियों के हित की बात करने वाले गोयल साहब आज आपके साथ खड़े नहीं दिखे, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश? यही तो गोयल साहब का असली चेहरा है, यही तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। विजय गोयल पहले आंदोलन करते हैं व्यापारियों के साथ, और जब हम वहां आवाज उठाते हैं कि सीलिंग पर रोक लगाओ तो वो व्यापारियों के खिलाफ खड़े होते हैं, वो सरकार का साथ देते हुए दिख रहे हैं। आज दिल्ली में जितने भी मंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सारे सांसद, दिल्ली के लोगों का नमक खाते हैं हम लोग। यहाँ 7 लाख व्यापारी उजाड़ा जा रहा है, हम खामोश कैसे रह सकते हैं? हम इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ अभिनव उपाध्याय, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।